नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विमर्श में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी महीनों के नामकरण के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। हिंदी महीनों के जो नाम हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये हम आप में से अधिकांश लोग हिंदी महीनों के नाम जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि ये नाम पढ़े कैसे। तो इनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। और ये बड़ा ही अद्भुत संयोग है कि हिंदी महीनों के जो नामकरण हैं वो नक्षत्रों के आधार पर किए गए हैं। जिस महीने का नाम रखा गया है उस महीने की पूर्णिमा को वही नक्षत्र होता है। अर्थात अगर हम चैत्र महीने की बात करें तो चैत्र महीने का नाम चित्रा नक्षत्र के आधार पर रखा गया है। और हम जो सिद्धांत आपको बता रहे हैं कि चैत्र मास की पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र होता है, इसी तरह से वैशाख मास की पूर्णिमा को विशाखा नक्षत्र होता है और उसी के अनुसार उसका नाम वैशाख रखा गया है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र होता है और उसी आधार पर ज्येष्ठ महीने का नाम रखा गया है। आषाढ़ महीने का नाम, जो नक्षत्र दो हैं, पूर्वाषाढ़ या उत्तराषाढ़, इनमें से कोई एक नक्षत्र होता है पूर्णिमा के दिन, और उसी आधार पर आषाढ़ महीने का नाम रखा गया है। अर्थात जिस महीने का नाम है उसकी पूर्णिमा को उससे मिलता जुलता जो नक्षत्र है उसी के आधार पर उस महीने का नाम रखा गया है। अब हम अगर श्रावण महीने की बात करें तो श्रवण नक्षत्र, अर्थात श्रावण महीने की पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र होता है। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा को पूर्वा भाद्रपद या उत्तरा भाद्रपद होता है। आश्विन महीने की पूर्णिमा पर अश्विनी नक्षत्र होता है। कार्तिक महीने की पूर्णिमा पर कृत्तिका नक्षत्र होता है। मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा पर मृगशिरा नक्षत्र होता है। पौष महीने की पूर्णिमा पर पुख्य नक्षत्र होता है। माघ महीने की पूर्णिमा पर मघा नक्षत्र होता है और फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को पूर्वा फाल्गुनी या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र ही होता है। ये जो अधिवर्ष होते हैं इसकी वजह से कई बार 24 घंटे का आगे पीछे हो जाता है, लेकिन ये मूल सिद्धांत जिसके आधार पर है वो यही है कि जो महीने का नाम है वो उस महीने की पूर्णिमा को पड़ने वाले नक्षत्र के नाम के आधार पर रखा गया है। हम आप हिंदी महीनों के नाम तो जानते हैं, लेकिन कभी शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये नाम इन नक्षत्रों के आधार पर रखे गए हैं। और ये एक जिज्ञासापूर्ण और कौतूहलपूर्ण विषय है, इसलिए मैंने आपको यह संज्ञानित करना उचित समझा। आज के इस ज्योतिष विमर्श में बस इतना ही। आगे फिर निकट भविष्य में हम आपको कुछ नई चीज़ों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि जिन लोगों को इनकी जानकारी न हो उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।